बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, आप देख रहे हैं मेरा और आपका अपना चैनल वर्ल्ड ऑफ इस्लामिक सॉल्यूशन। आपके लिए दुआओं का खसूसी तौर पर इहतमाम किया गया है। जो भी ख़वातीनों हज़रात दुआ के लिए अपना नाम देना चाहते हैं वो कमेंट सेक्शन में अपना नाम दे सकते हैं, इंशाल्लाह ताला खसूसी तौर पर उनके लिए दुआ की जाएगी। आज मैं आपको अल्लाह ताला के दो नाम या हादियों या रहीमों के मुशाहदात बताना चाहती हूँ। एक साहब बताते हैं कि मेरा नाम मोहम्मद उमर है और मैं लाहौर का रिहायशी हूँ। मैं तस्बीहाना में हज़रत हकीम तारिक साहब के दर से मिलने वाले वज़ायफ़ लोगों में तकसीम करता रहता हूँ, जिसकी बरकत से लोगों के मसाइल हल हो जाते हैं। मेरे छोटे भाई को ड्रोने ख्वाब बहुत ज़्यादा आते थे। मैंने इसे कहा कि या हादियू या रहीमू पढ़ते पढ़ते सो जाया करो। अल्हम्दुलिल्लाह अब उसे ड्रोने ख्वाब नहीं आते और वो बहुत सुकून की नींद सोता है। इसी तरह एक साहब बताते हैं, मैं हज़रत हकीम साहब के दर से जो भी अमाल सुनता हूँ वो आगे लोगों को पढ़ने के लिए बताता रहता हूँ, जिसके मुझे बहुत से मुशाहदात मिल रहे हैं। हमारे मोहल्ले में एक बाबा जी ने किसी से 6 लाख रुपए का कर्ज वापस लेना था, लेकिन वो शख्स वापस देने का नाम नहीं ले रहा था। मैंने इन बाबा जी से कहा कि आप कसरत से या हादियू या रहीमू पढ़कर इस बंदे की रूह को हदिया करें, इंशाल्लाह वो खुद आकर आपके पैसे वापस देगा। आज सुबह इन बाबा जी ने मस्जिद में मुझे बताया कि मैंने तकरीबन 1000 बार या हादियू या रहीमू पढ़कर इस शख्स की रूह को हदिया किया तो वो अल्हम्दुलिल्लाह खुद आकर 1 लाख रुपए दे गया है और बाकी अभी इसके पास पैसे नहीं थे, वो भी थोड़े थोड़े करके वादा कर गया है कि मैं दे दूंगा। इसी तरह एक साहब बताते हैं, मैंने अपने एक दोस्त को बताया हुआ था कि या हादियू या रहीमू कसरत से पढ़ा करो। इसने पढ़ना शुरू कर दिया। एक दिन वो वालिद साहब की परचून की दुकान पर बैठा था कि एक गाहक आया। इसने इसे कुछ सामान वगैरह दिया, लेकिन गलती से गाहक से पैसे लेने की बजाय अपने हाथों में पकड़े हुए पैसे गाहक को थमा दिए। गाहक चला गया। थोड़ी देर बाद इसे याद आया तो वो बहुत परेशान हुआ। उसे ये भी डर था कि इसके वाली साहब आकर उसे डांटेंगे। इसने या खादियू या रहीमू तवज्जो और यकीन के साथ पढ़ना शुरू कर दिया और तकरीबन 1 घंटा मुसलसल पढ़ता रहा। कुछ ही देर बाद वो गाहक वापस आया और आकर उसके पैसे भी दे गया और जो सामान के पैसे बनते थे वो भी दे गया। एक साहब बताते हैं कि हज़रत हकीम साहब ने दर्स में या हादियू या रहीमू का अमल बताया था और फरमाया था कि अगर किसी का बॉस, अफसर या हिजड़ों को उनका गुरु तंग करता हो तो इसके लिए ये पढ़ें, इससे वो मेहरबान हो जाएगा। इस जुमा मेरे एक कोलीग ने मुझे बताया कि मेरा बॉस मुझे बहुत तंग कर रहा है और मेरे खिलाफ मुख्तलिफ किस्म की साजिशें कर रहा है। मैंने ये अमल अपने पास लिखा हुआ था जो मैंने इसे बता दिया और इसने पढ़ना शुरू कर दिया। कुदरती तौर पर आज यहाँ आने से पहले मेरी इससे मुलाकात हुई तो मैंने पूछा, सुनाओ वो अमल कर रहे हो? कहने लगा, यार वो तो बहुत कमाल का अमल है। अभी मैं बॉस के पास से आ रहा हूँ, वो मुझसे बड़ा खुश है और मेरे काम पर बहुत राजी है। अल्लाह करे कि आइंदा भी ऐसा ही रहे। मैंने कहा कि आप इस अमल को जारी रखें तो इसकी नफरत हमेशा के लिए मोहब्बत में तब्दील हो जाएगी। व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो से आप मुस्तफीद हो सकें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।